बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। ईओबीआई के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आई है, हौसला अफजा खबर आई है। हुकूमत की तरफ से 2.4 अरब रुपए ईओबीआई के हवाले कर दिए गए हैं। अब ये रकम अप्रैल, मई और जून के एरियर्स और अगस्त की पेंशन आपको अगस्त की यकम को मिलने वाली है। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2.4 अरब रुपए हुकूमत ने ईओबीआई डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए हैं और ये रकम जो है उनको मुंतकिल हो चुकी है। और अब हुकूमत जो है ईओबीआई डिपार्टमेंट इंशाल्लाह यकम अगस्त को होपफुली आपको जो है ये रकम भेज देगा। सबका एरियर समेत उन्होंने कहा है कि तमाम एरियर जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे यकम अगस्त तक। लेकिन चूंकि ये कल उनकी बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज आई है, इसलिए ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अब तक तो हम अपने ज़राए से बता रहे थे, अब हम कन्फर्म जो इतलात है वो आप तक पहुँचा रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ने जो है वो रकम रिलीज़ कर दी है। 2.4 अरब रुपए जो इजाफा किया गया है उसकी तमाम तर हुकूमत जो है वो हुकूमत ने रिलीज़ कर दी है। अब आपको माह अप्रैल, मई और जून की जो एरियर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और अगस्त में जो है आपको रकम मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं इस कन्फर्म खबर के बाद आपके लिए ये मुतालबा करूँगा कि ये जो यकम को दी जा रही है, यकम अगस्त को देने का ऐलान किया गया है, उसके लिए मैं ये अर्ज करूँगा कि ये ईद से पहले पहले आप ईओबीआई पेंशनर्स को रकम अदा कर दें जितना जल्दी हो सके, वगरना कम से कम 25 जुलाई तक तो ज़रूर अदा कर दें। क्योंकि किसी ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना होता है, कुछ ने अपनी बेटियों को, नवासों को, पोतों को, पोतियों को, बेटों को जो है ईदी देनी होती है और अखराजात होते हैं, बहुत सारे जो है वो मकरूज भी हो चुके होते हैं इस दौरान, तो वो अपने कर्ज़ की अदायगी कर सकें। तो इसलिए मेरी हुकूमत से इस्तदा है कि आप ये फौरी तौर पे जो है यकम अगस्त की बजाय 25 जुलाई को जो है ये रकम रिलीज़ कर दें ताकि हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को उसका ईद से पहले पहले फ़ायदा हो सके। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा और इस हवाले से तमाम ईओबीआई पेंशनर्स और उनके हमदर्दों से ये अपील होगी कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुतालबा जो है वो हमारा तस्लीम हो जाए और कमेंट्स में भी आप जो है इस मुतालबे को दोहराते रहे ताकि एक फिजा बने और एक हम भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं अपने ज़राए तक हुकूमत तक ये मुतालबा पहुँचाने की। और अखबारात में भी कम्पेन हमने शुरू कर रखी है, कल से इंशाल्लाह अखबारात में दोबारा कम्पेन शुरू हो जाएगी इस पर कि 25 जुलाई को जो है वो रकूमत अदा की जाए। आप भी अपने मकामी प्रेस क्लब में जाकर ये मुतालबा जो है वो करें, साथियों के सामने रखें ताकि ये 25 जुलाई से या 25 जुलाई को या 25 जुलाई से पहले पहले आपको ये रकूमत मिल सकें। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत